जय संशक्ति ॐ समानो मन्त्र समिति समानी समानं मनः सचित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्र एव समाने नवो हविषाजुहोमि सबके विचार समान हो, से सब एक हो ज्ञान सबको समान देता हूँ समान सबका सत्कार हो ईश्वर की कृपा से पूज्य तंशि जी की तंशी जी के आशीर्वाद से हम योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो बोध दिया उस गीता पर पूज्य वंशी जी की जो जी का जो चिंतन है वो है गीता और समाज सेवा और उसके प्रकरण चौदह चोड, चौदह में काम के बारे में लिखा है काम शब्द सुनते ही लोगों के नाक के नौक नाक के नौक ऊंची चढ़ जाती है कहीं ची ची एक है बात काम सेक्स और गीता में मगर वो जानते ही नहीं कि काम क्या होता है इसी तरह केवल शब्दों को देखकर लोग बिगड़े थे अशोर रजनी की एक पुस्तक है उसका शीर्षक देखकर लोगों ने उसको ज मान लिया किताब में क्या लिखा है वो नहीं देखा इसी तरह काम के बारे में गीता जी क्या कहती है कुछ तंजी जी ने क्या सोचा सु, है ये देखे बिना काम शब्द आते ही लोग अरे ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए तो तनसी जी ने जो कुछ लिखा है वो सोच समझ कर लिखा है बिल्कुल हमारे कल्याण के लिए लिखा है उसकी शुरुआत करें उससे पहले महाभारत का एक प्रसंग याद आता है बाणसैया पर विष्णुपिता सोए हुए पड़े हैं और युधिष्ठिर को काम के बारे में समझाते हैं वो देखो कहते हैं काम जाना मूलम संकल्पात किल जायसे न ताम हम संकल्प्यामी समूलो न भविष्य काम यादना जाना मैं मोलम तू कहां से उत्पन्न होता है मुझे पता है तू संकल्प से जन्मता है इसलिए न तोम संकल्प एष्या में मैं तेरी कल्पना ही करूंगा नहीं मैं तेरे संकल्प ही नहीं करूंगा जिससे समूलो न भविष्य से तुम मूल सही नाश पाएगा तो ये भीष्म जी जैसे महान विदुष पूरे और वो भी भाषसैया पर मृत्यु के क्षण पर काम की बात करते हैं तो मितम में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि ध्यायतो तो विषया संगस्ते छुप जायते संगत संजायते काम कामात को तो विजायते क्रोधात बहुत सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम प्रति भूषात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्य दूसरे अध्याय के बासठ और तेसठ श्लोक में कहा आदमी जो है विषयों का ध्यान करने लगता है उसमें रुचि लेने लगता है तो तुरंत तो उसमें आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से काम पैदा होता है कि काम का मतलब है चाह प्राप्त करने की इच्छा और इसमें क्या रहा है कुछ प्राप्त करने की कुछ बनने की कुछ होने की ये चाह तो होती है कामना होती है उसमें क्या बुरा मगर लोगों ने जो ना समझे, वो शब्दों को पकड़ते हैं, भाव को नहीं पकड़ते उसमें क्या है वो देखते नहीं तो इस तरह आसक्ति मतलब मन से उद्भवित होता है काम ये काम एक ईश्वर का ही विसर्जन है ईश्वर द्वारा जो सृजित है उसमें बुरे क्या से होता है देखो एक बच्चा होता है और उसमें कोई काम भाव नहीं होता उसका मन है जो काम का स्रोत है काम का उद्भव स्थान है अभी अल्पविकसित है अभी उसमें काम भाव ज्यादा नहीं उसकी कोई काम नहीं होती नहीं वो अपने द्वारा जो घर में बिना बैठे बिना कोई काम बैठे अपने दादाजी है उनके पास जाता है उनसे पूछता है के दादा ओ, ओ ओ क्या है ओ ओ, और दादाजी कुछ जवाब दे उससे पहले कूद कर बाप बाहर दौड़ भाई और उससे और जो कुछ चीज के बारे में पूछता था उससे कोई लेना देना नहीं था बस यही पूछना है दूसरा व्यक्ति वो है जिसको कोई काम नहीं होता जिसके दिमाग में मन में कोई काम नहीं जगता वो है पागल पागल का मन तो होता है मगर विकसित होता है उससे उसकी कोई कामना ही नहीं रहती और तीसरा व्यक्ति है जिसको कामना नहीं होती जिसके मन में कामना नहीं उगती वो है योगी क्यों उनका मन मन रहा ही नहीं वो हृदय में स्थित हो गया गीता में लिखा है ना कि मन और हृदय निरुद्ध तो हृदय में तो ईश्वर बैठे हैं अठारह अध्याय के एकसठ में श्लोक में कहा तो मन नहीं रहा तो संकल्प कैसे जगेगा तो संकल्प नहीं जगा तो आसक्ति नहीं होगी आसक्ति नहीं होगी काम नहीं जगेगा जब काम की बात आती है तो हमारे सामने तंशी जी ने पहला ही वाक्य लिखा कि जन नजर में आते हैं पूछिए जी ने यह बात का समर्थन किया है मगर साथो साथ साथोसाथ ने ये भी लिखा है कि गीता ने काम शब्द व्यापक अर्थ में लिखा है जनन्द्रिय जो स्पर्श का सुख का अनुभव कराने वाली ज्ञानेन्द्रिय है उसी तरह आंख कान नाक जीव ये भी ज्ञानेन्द्रिया है और उन सब की कामनाएं होती है आंख कामना रखती है कि मैं सुंदर सुंदर देखू कान सदैव चाहता है कि मैं अच्छा सुमधुर संगीत संगीत सुनू नाक भी सुगंध को चाहता है जीव मीठा मीठा स्वाद लेनों की इच्छा रखती है तो ये इसमें बुरा क्या काम कोई बुरी चीज है ही नहीं वो है ही नहीं है त्याज्य भी नहीं है और निंदनीय भी नहीं है क्योंकि वो एक प्रकृति की चीज है प्रकृति का सृजन है और जो जो मन विकसित होता जा जाता है कामनाएं बढ़ती जाती है हमारे शास्त्रों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए चार पुरुषार्थ माना गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष तो उसको संक्षिप्त में देख लिया अभी ये इस विषय पर बोलने का समय नहीं है जरूर भी नहीं है मगर इसमें धर्म अर्थ काम प्रत्येक व्यक्ति का चाहे पुरुष हो स्त्री हो ये पुरुषार्थ धर्म मतलब नैतिकता न्याय उससे जो कमाई होती है इसको कहते हैं अर्थ तो नीति से न्याय की जो कमाई है वो करनी चाहिए अनैतिक अवैध कमाई वो दुख देगी तो दूसरा पुरुषार्थ आय अर्थ मतलब पैसा धन धन क्या क्या करेंगे उपभोग करेंगे तो ये काम उपभोग का मतलब ही काम है तो नीति से कमाया हुआ धन का उपयोग हम कर सकते हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं है बुरा तब होता है कि जब अनिति अधर्म की कमाई का उपभोग करने की इच्छा हो होती है वो सदैव अमर्यादित ए सीमित होती है इसलिए भोगवृत्ति भी सीमित रहती है मगर अनिति का अधर्म का धन इसकी कोई सीमा ही नहीं लाते रहो आते जाओ लगता रहो लेते रहो लाते रहो और धन बढ़ता जाता है इसी तरह काम वृत्ति भी बढ़ती जाती है और अमर्यादित काम सदैव विकृति लाता है विक और विकृति व्यक्ति अपने लिए और समाज के लिए दोनों के लिए हानिकारक होता है पश्चिम के दार्शनिक फ्रॉइड जैसा कई जैसे कई हुए उन्होंने काम के बारे में चिंतन किया है किताबे लिखे हैं, मगर वहां ज्यादातर काम सेक्स के अर्थ में लिया या कि सेक्स भाव ये सहज है वो हे वो चीज है नहीं और इसका विश्लेषण उन्होंने किया है भारत में भी वात्सयन मुनि सुना है नाम उन्होंने किताब लिखी है नाम है कामसूत्र तो उसमें भी ज्यादातर सेक्स की बात है पर और भी उसका विश्लेषण बहुत ज्यादा किया है हम यहां उस किताब की चर्चा नहीं करेंगे हमें तो काम के बारे में हमारे पूज्य श्री ने जो कहा है उस पर ही चर्चा करनी है शास्त्रों के काम को शास्त्रों ने काम को एक पुरुषार्थ माना है और गीता का दृष्टिकोण ये एक साधक का है काम वृत्ति एक प्राकृतिक है और साधक जो होता है वो तो प्रकृति से ऊपर उठकर संस्कृति की ओर जाता है तो साधना गति की होती है साधना प्रकृति जन्य कामना से ऊपर उठती है और कामना को संस्कृत रूप प्रतिष्ठित करता है साध्य साधन और साधना के बारे में ने कहा है कि साध्य चाहे कितना भी ऊंचा हो पवित्र हो हितकारी कल्याणकारी हो मगर उसके सिद्ध उसको सिद्ध करने के लिए साधन और साधना ये दोनों भी पवित्र होना चाहिए ये नहीं कि अवैध रूप से कमाओ और दान करो पवित्र तो कार्य है दान देना मगर और गीता ने भी दान का महत्व तो कहा है कहा है कि कह यज्ञ दान तप न त्याज्यम करनीय एवच यज्ञ दान और तप उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए अवश्य करना चाहिए क्योंकि खाने मनुष्य मनुष्य को पवित्र करने वाले वाले हैं मगर आप चाहते हैं कि निराधार अनाथ को हम सहाय करें उसके लिए पैसा चाहिए तो चोरी करके लूट करके शराब आदि का धंधा करके जुआ खेल जुआ का खेले खेलकर पैसा कमाने की बात आए करे और फिर उनको सहाय करे तो सहाय करना पवित्र कार्य है मगर उसके लिए जो साधन वो अपवित्र रहा साधना अपवित्र रही तो ऐसे ऐसा दान ऐसी सहाय इस शास्त्रों के शास्त्रों में निश्चित कहा गया है गीता काम का महत्व जानती है मगर जो ज्ञानी है उसके लिए तो वो शत्रु है क्यों क्योंकि वो कभी पूर्ण नहीं होने वाली अग्नि जैसा वो दुश्मन काम से ज्ञाने का ज्ञान जल जाता है ज्ञान चाहिए वो है मगर वो अज्ञान से आवृत है घिरा रहता है कहा गया है कि काम कामानाम उपभोगे न, न शाम की वर्तते वन्नी यथा घृणे न सदा घृते न सदा काम कामनाओं के भोग करने से कभी शांत नहीं होगा उदाहरण के रूप में अग्नि में घी डालो और आप सोचो कि वो शांत हो जाएगा नहीं वो और बढ़ेगा अग्नि की ज्योत और ऊपर उठेगी ज्वाला ऊपर उठेगी और मांगेगी अभी और दो और दो तो उसकी कोई मर्यादा नहीं होती गीता ने भी कहा है कि घुमे न आवृत यथा आदस भले न यथा उलबे गर्भ तथा तेना इदम आवृतम तीसरे के अड़तीसरे श्लोक में कहा है कि जैसे अग्नि वो धू से छाया हुआ रहता है और जो आदर्श मतलब दर्पण मन मंध के ऊपर रद लग गई है, उसे छाया रहता है इसी तरह गर्भ उलबन 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 मतलब जैर जो एक चिकना चिकनी पतली चामड़ी होती है उससे वो गर्भ सुरक्षा रहती है उसे वो ढका रहता है और इसी तरह न इदम आवृतम उससे ये ज्ञान आत्मज्ञान ढंका रहता है कांवृत्ति का हमारे जीवन पर व्यापक प्रभाव है उस प्रभाव से ही व्यापक मानवी नहीं चाहते हुए भी पाप कर्म कर जाता है नहीं करने जैसा कर देता है नहीं बोलने जैसा बोल देता है नहीं जाने से जरा चला जाता है न सोचने जैसा सोचने लगता है अर्जुन ने पूछा था भगवान अत के न प्रयुक्तम अयम पापम चरती पुरुष अनिच्छन्न अपी वाष्णय बलात्ईव नियोजिता तीसरे अध्याय के छत्तीस श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि भगवान पुरुष किसके बल से किसकी प्रेरणा से पाप कर्म करता है अनिच्छे नी चाहता नहीं मैं पाप करूं मैं बुरा करूं मैं किसी को गाली दू मैं किसी का रोक लू मैं किसी को मार दू वो चाह नहीं होते फिर भी कोई ऐसा एक प्रेरक बल है जो पुरुष को जबरदस्ती वो करवाता है इस नियोजित व्यक्ति पाप करता है तो इसका कारण श्री कृष्ण ने बताया कि नहीं चाहता बात बिल्कुल ठीक है मगर ये पुरुष जिससे प्रयुक्त तो होता है काम कर पाप आचरण करता है वो है काम श्री कृष्ण ने कहा काम एश क्रोध एश रजोगुण गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधि एनम यह वैरिणम अर्जुन नहीं चाहते हुए भी पाप पापाचरण करने का कारण है काम और क्रोध वैसे तो दोनों एक ही है काम में क्रोध छिपा रहता है काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है काम आत्म भी जाए थे दूसरे जय में कहा जो ही कामना में बाधा आती है क्रोध उत्पन्न होता है तो ये रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं दोनों रजोगुण व्यक्ति में ही कामना पैदा होगी और वो ही गुस्सा करेगा और ये काम एक क्रोध कैसे है महाशनम कभी तृप्त नहीं होने वाला कामना चाहे कितनी ही भोग लो ने कभी पूरी नहीं होगी और महापापमा महापापी है और इसलिए उनको तो अपना शत्रु मान इसलिए जिस किसी को जीवन में चाहे व्यक्ति के रूप में या समाज जीवन में कुछ करने का करने की जी होता है कुछ करना चाहता है विकास करना है उसको बिना शत्रु पहचान है उसको यदि मा मित्र मान लिया तो कभी धोखा दे देगा शत्रु को पहचान लिया तभी जाकर उससे संघर्ष करके पराजित किया जा सकता है और यह भी सत्य है कि जो बाहरी शत्रु है वो तो दिखते हैं उनको उन पर, पर विजय पाना सरल है पर भीतर में बैठे हैं शत्रु वो दिख तो है नहीं इसलिए उन पर विजय कैसे पाए पहचानते ही नहीं है कि हमारे शत्रु है पर विजय पाना बहुत कठिन कर्म है काम आदि वासना है शत्रु है और दिखावे में हमारे मित्र लगती है काम वृत्ति कामना किसको अच्छी नहीं लगती चाह किसको अच्छी नहीं लगती वो किसको अच्छा नहीं लगता इच्छा सबको प्रिय लगती है इसलिए उससे संघर्ष करने की चाहने प्रिय से कौन संघर्ष करे प्रिय इसे से प्यार करे उसका देश कौन करेगा तो एक दूसरी राह है मित्र माने गए शत्रु से निपटने की और वह है शत्रु को बंदी बना दो अर्थात अपने में बना दो तो वो ही काम शत्रु आपका दास बनकर आपके अमूल्य सेवा करेगा वो कैसे हो सकता है आगे देखेंगे हम एक तीसरा मार्ग है काम को वश करने के लिए काम पर विजय पाने के लिए वह है कूटनीति शत्रु को मूर्ख बनाकर उससे अपना काम करवाना है वो भी कैसे वो भी आगे देखेंगे और चौथा मार्ग है शत्रु से संधि करके परस्पर सहयोग के सहयोग से विकास परस्पर का कर विकास करें इन चारों रीति नीति के सम, को समझे हम एक है संघर्ष करके शत्रु को परास्त करना तो गीता में एक श्लोक है तीसरा अध्याय के चालीसौ श्लोक इंद्रिया मनाबुद्धि अश अधिष्ठान उच्चतेमोहतिश ज्ञानम आवृत्य देहीनम काम का केंद्र कहां है हमारे भीतर कहां से उत्पन्न होता है अधिष्ठान उसका क्या है तो श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रियाणी मन और बुद्धि अधिष्ठान उचित उसका स्थान रहने का स्थान माना गया है और ज्ञानम आवृत्य देहीनम देहीनम देह मतलब शरीर और देही मतलब आत्मा जिसमें जिस शरीर में जिस देह में रहता है वो, वो, आत्मा।, वो आत्मा को देख को कर विमोह इसको मोहित कर देता है तो जो काम है जो इंद्रियों से मन से बुद्धि से निकलता है वो हमारे ज्ञान को वो ढक देता है हम उसको जग, हमारे हमारे ज्ञान को ढक देता है और अज्ञानी होकर हम काम के पीछे दौड़ते रहते हैं जीवात्मा कहते हैं कि न मतलब तो जीव आत्मा आत्मा उसको बांध देता है जीवात्मा तो परमात्मा का स्वरूप माना गया है उसको कोई मोहित कर सकता है क्या हाँ गीता में कहा है काम जीवात्मा को मोहित कर देता है श्री कृष्ण कहते हैं ममएव अंश जीवलोके जीव, जीव भूत सनातन मन सष्टानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी अध्याय के सातवें श्लोक में कहा कि जीवलोके जहां जीव रहता है वो जीवलोक तो ये शरीर में रहता है मतलब जीवलोक का मतलब शरीर तो जीव लोग जीव सनातन जीवभूत मम एवं अंश इस शरीर में जीव बन सनातन तत्व जो है वो मेरा ही अंश है और मनसष्टन इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती मन और छठा पांच इंद्रियों और मन छठा उनको इंद्रियाणी अपनी ओर खींचती रहती है मन श्रेष्ठा इंद्रिया यानी मन सहित इंद्रियों को वो अपनी ओर खींचता रहते है। सागर के सागर का अफाट जल कोई सीमा नहीं इतना जल और उस सागर का सागर के जल का एक बिंदु दोनों एक ही चीज है मगर जब तक एक बुंद सागर में पुण्य नहीं मिल जाता तो वो बुंद गंदा हो सकता है सुख भी जाता है नष्ट हो जाता है इसी तरह में रहा जीव आत्मा अभी परमात्मा जो अपना मूल स्वरूप है उससे अलग है चाहे तो ऐसा कि जीवात्मा परमात्मा के और ही गतिमान रहे आत्माभिमुख बना, बना रहे उसकी ओर ही देखे और उस, उसकी ओर ही, ही गतिमान रहे मगर होता है क्या ऐसा नहीं होता क्यों ये समझने की बात है इस शरीर की इंद्रिया आख का नाक जीप त्वचा तो ये सदैव बहिर्मुखी होती है संसार के सुखों का भोग करना चाहती है और वो सब बाहर है और इंद्रियों का स्वामी है मन दरअसल में मन ही इंद्रियों द्वारा संसार का विषयों का भोग करता है संसार के जितने भोग है वो मन ही भोगता है आंख देखती नहीं है आंख के द्वारा मन दिखता है मन देखता है कि वो चीज अच्छी है तो चाहिए कई बार ऐसा होता है कि हम कई खयोर खोए बैठे हैं और सामने से एक व्यक्ति गुजर जाता है कोई और व्यक्ति आकर कहे वो फला आदमी यहां से निकला आप क्या खुली थी आपने कहा नहीं देखा तो नहीं खोली थी कैसे नहीं देखा इसलिए नहीं देखा कि देखने वाला तो मन है और मन और कहीं भटक रहा है तो कौन देखे इसी तरह एक व्यक्ति को बुला रहा है और सुनता ही नहीं तो हम गुस्सा आपको हैं कि अरे कितनी बार बोला है आपको काम सुनते ही नहीं कैसे सुनेगा क्योंकि वो दूसरी बात में किसी व्यक्ति के साथ बातों में इतना वो डूब गया है मन उसमें लग गया है तो सुनने वाला मन तो उसमें है उसके मित्र के साथ बातों में आपकी कैसे सुनेगा इसी तरह अन्य इंद्रियों की बात आती है और मन से आगे मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि जो बुद्धि मन को गलत है या सही है उसकी सूचना देती है बुद्धि का काम यह है इसलिए आदर्श तो यह है कि मन को बुद्धि का सुनना चाहिए मगर उसके लिए विषयों से विमुख होना और बुद्धि की ओर मुडना चाहिए मन को मगर ऐसा सहज उपच नहीं होता मन तो बाहरी विषय भोगों में रुचि रखता है बुद्धि की कौन सुने इसलिए मन मानी चल, चलती है और उ, उस बुद्धि से परे बुद्धि से भी श्रेष्ठ चित है जिसमें जन्म जन्मों का संस्कार पड़े हैं उन संस्कारों का बल से वह बुद्धि को सच्चा या जूठा का भेद करने की शक्ति देता है मगर मन को वश हुई बुद्धि चित्त का आदेश सुनती नहीं आदेश सुना नहीं तो कैसे मन को कहेगा कहेगी वो और चित्त को अहंकार प्रेरित प्रेरित करता रहता है तो ये मन बुद्धि चित अहंकार ये अंत चार अंतकरण है करण मतलब साधन अंदर के साधन है चारों चार और उधर जीवात्मा जो अभी परमात्मा से विमुख है वो अहंकार के साथ जुड़ा रहता है वो अहंकार के वश में आवाज आ जाता है और इसलिए अपने को कर्ता मान बैठता है तो जीवात्मा मानता है मैं करता हूं और कर्ता मान लिया तो कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा और इसके लिए शरीर को बदलना 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 पड़ेगा और बदलता रहता है कर्म फल भोगता रहता है कर्म भोगने के लिए जन्म लिया कर्म भोगे और भी कर्म किए उनके फल भोगने के लिए मरने के बाद और भी जन्मो इस तरह का चक्कर चलता रहता है होना यह चाहिए कि इस बुद्धि को बुद्धि की मन सुने बुद्धि चित से जुड़ी रहे चित अहंकार मय बना रहे और जीवात्मा अहंकार से विमुख होकर परमात्मा की ओर देखता रहे हमारा ईश्वर प्रदत्त यह मानव जीवन इंद्रियों की झाल में फंसा बर्बाद न हो इसलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि तस्मात्म इंद्रिया आदो नियम्य भरता सब पापमा नाम प्रज ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम तीसरे अध्याय के इक्तालीस श्लोक में कहा कि इसलिए अर्थात इंद्रियों को विषयों में रमान नहीं रहकर इंद्रियों में इंद्रियों के विषयों में रुचि नहीं रखकर आदो सबसे पहले हे भरत सब अर्जुन के लिए शब्द है भरत ऋषभ शब्द है मतलब श्रेष्ठ भरत वंश का आदमी वंश में जन्मा हुआ श्रेष्ठ आदमी तुम अर्जुन इंद्रिया नियम्य इंद्रियों को वश करके उनको संयमित करके ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान मतलब आत्मज्ञान और विज्ञान अर्थात ईश्वर की सृष्टि का ज्ञान उनको नष्ट करने वाली वाले एनम इस खाम वृत्ति को जो पापमानम है जो पापी है उसको निश्चय करके प्रजही मार दे उसको ये मारने का पहला रास्ता बताया दूसरा रास्ता काम शत्रु को मारने का वश करने का रास्ता उसको बंदी बना देना उसको गुलाम की तरह आपने वश में कर दो यह कैसे हो सकता है विजयश्री तंशी जी ने व्यक्ति व उसकी छाया का एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयत्न करते हैं कि आप जा रहे हैं छाया आगे आगे हैं आप उसके पकड़ने का प्रयत्न करो जो है आप अखबार आगे बढ़ेगा बढ़ेंगे छाया आगे जाएगी पकड़ में नहीं आएगी और यदि आप परिवर्त हो जाओ पीछे मुड़ो जाओ और चलते जाओ छाया आपके पीछे पीछे दास की तरह आएगी आप खड़े रहेंगे छाया खड़े रह जाएगी आप बैठ जाएगी जाएंगे छाया बैठ जाएगी तो ये इसी तरह काम के पीछे दौड़ना नहीं है काम से विमुख हो जाओ काम तो अंदर पड़ा है वो कहीं जा नहीं सकता मगर आप उसके पीछे आप उसको पकड़ने का प्रयत्न मत करो उससे विमुख हो जाओ तो वो दौड़ता हो आपके पीछे पीछे चलता आया है मतलब काम वृत्ति की उपेक्षा करो काम विमुख हो जाओ काम ना करो ही नहीं तो काम ही सदैव हमारे पीछे भागता आएगा मगर हमने काम का तो त्याग कर दिया है भले वह पीछे पीछे आए उससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है तो गीता ने कहा है कि ये क्या सरल है ये काम इतना बलवान है कि उसको इस तरह वश करना सरल नहीं है और एक काम जो द्वार है वो हमको अर्थात हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है उसको रिजी पानी है मगर बहुत मुश्किल है गीता ने कहा त्रिविदम नरकश इदम नाशनम आत्मनम काम क्रोध तथा लोभ तस्मात ये सोलह अध्याय के इक्कीसवें श्लोक में कहा कि काम क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मना अर्थात आत्मा का मानव जीवन का नाशनम नाश करने वाले हैं तस्मात इसलिए एतम इन तीनों को क्या करना है चाहिए तीनों का क्या कर देना चाहिए हम हम इस प्रकार प्रकरण में काम विषय पर बात चर्चा कर रहे हैं उसमें क्रोध और लोभ कहां से आ गए भोगों की कामना काम है उस कामना को भोगने का जब भोगने में जब बाधा आती है तो गुस्सा आएगा ही मतलब काम में क्रोध छिपा रहता है और जब काम लिप्सा अत्यंत बढ़ जाती है संतोष होता ही नहीं तो उसको कहते हैं लोभ अर्थात क्रोध व लोभ कामने के ही पर्याय मानना चाहिए व्यवहार में तीनों का स्वरूप अलग अलग दिखता है इसलिए कृष्ण ने ये अलग अलग तीन नाम दिया और कहा कि ये तीनों नरक के द्वार है नरक के द्वार कैसे है कामी क्रोधी व लोभी व्यक्ति सदा न्याय नीति आदि देवी गुणों का त्याग कर देता है और झूठ कपट चोरी विश्वासघात आदि बड़े बड़े जघन्य पाप करता रहता है और ऐसा पापी व्यक्ति सदा नरक का अधिकारी बनता है नरक का मतलब जो हमारे पुराणों में नरक की कल्पना की है कि इस कोई कोई जगह एक गड्ढा है जिसमें जीवात्मा को जलाया जाता है कुंभ में और बिच्छू और सर्प जैसे उसको काटते रहते हैं दुर्गंध मारता है कीचड़ में उसको डाला जाता है ऐसा कुछ नहीं नरक का यह है कि मानव योनि में पुनः जन्म न प्राप्त करके जो गोबर गटर मर ऐसी जो गंदी चीज है उसमें जो कीड़े आपने देखा होंगे ना वही नरक है तो श्री कृष्ण ने कहा कि यही नरक है बाकी और कोई नरक नहीं है जहां पापी को उसके अल, आ, सजा दी जाती हो उसके अलावा ये तीनों को आत्मा का नाश करने वाले माने गए हैं यहीं है हम रुकते हैं समय हो गया है तो सङ्गदक्ष ॐ शौर्यं तेजो धृते दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॐ शान्तिः शान्तिः शाम्